अधिकृत यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि आज से लगभग 20 दिन के बाद जो है रक्षाबंधन का पावन दिन जो है वो आने वाला है, और लगातार आपको बता दें कि जिस तरह से अमरनाथ यात्रा भी जो है सुचारू रूप से चल रही है, बढ़ चढ़ कर श्रद्धालु जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं, और अमरनाथ यात्रा जो है 19 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन समाप्त होनी है। और ऐसे में आपको बता दें कि मार्केट में भी रक्षाबंधन को लेकर तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। आप अगर मार्केट में निकलेंगे तो आपको नज़र आएंगी कि खूबसूरत सी राखियां, तरह तरह की राखियां जो है वो मार्केट में आ चुकी है। जिस तरह से हम आपको हर साल दिखाते हैं कि मार्केट में राखी जो है आती है, और स्वदेशी का जिस तरह से बात की जाती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम राखीज आप देख पाएंगे कि हैंडमेड राखियाँ जो है वो ज़्यादा मार्केट में जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडमेड राखियाँ पसंद करते हैं। उसके अलावा और भी कस्टमाइज्ड राखी जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। भाइयों को उनकी कलाई जो है वो सुंदर लगे, खूबसूरत लगे, उसको लेकर बहनें जो है वो तरह तरह की राखियाँ जो है वो सिलेक्ट करती हैं। और अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से काफ़ी खूबसूरत मार्केट जो है इस समय सजी हुई है। और ऐसे में आपको बता दें कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो जिस तरह से आ रहा है, बहनों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह रहता है, और विजय का धागा जो है बहनें अपने भाई को बांधती है। और ऐसे में आपको बता दें वही विजय का सूत्र, वही विजय का धागा जो है वो मार्केट में अब आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी खूबसूरत आइटम्स जो है वो यहाँ पर लाई गई हैं, और बहनें जो है वो अभी से अब तैयारियां कर रही हैं रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर, अभी से जो है ख़रीदारी जो है वो शुरू कर रही हैं। तो मार्केट भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से सजी हुई है। ऐसे में ये राखियों का कहा जाए तो कहाँ से ये राखियाँ जो रहेगी कस्टमाइज, जिस तरह से कुछ राखियाँ हैं वो कहाँ से लाई गई हैं, और हर साल नए कॉन्सेप्ट के साथ राखी जो लाई जाती है, इस साल क्या कुछ नया जो है वो इंक्लूडेड किया गया है। जिस तरह से रुद्राक्ष की भी राखी हमने आपको दिखाई, नज़र बट्टू वाली भी राखी है, उसके अलावा और भी कई सारी राखियाँ, तो इनसे जानते हैं। जी, आपका नाम? गगन शर्मा। गगन जी, क्या कहना चाहोगे, रक्षाबंधन आ रही है, आपको भी इंतज़ार रहेगा कि बहनें जो है वो कढ़ाई में राखी बांधेंगी, तो मार्केट में अभी से रौनक जो है वो शुरू हो चुकी है, अभी 20 दिन बाकी है। हाँ, क्योंकि कईयों के जो भाई होते हैं वो कहीं आर्मी में है, कोई बाहर जॉब करते हैं कहीं भी, तो बहनें आती हैं हमारे पास बड़े उत्साह से, तो उनके अच्छी अच्छी राखियाँ सेलेक्ट करती हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है राखियों सेलेक्ट करने में, तो इसी के मुताबिक हमें वैरायटी भी ज़्यादा लानी पड़ती है। तो इस बार जो है 3 लेयर वाली राखी वो ज़्यादा चल रही है, जो बहनें जो लेके पहले पोच करती हैं उनको, और मार्केट में जैसे कि कुंदन की राखियाँ आ चुकी हैं, ब्रेसलेट आ चुके हैं, तो बल्कि बहनों की जैसी डिमांड होती है भी अच्छी से अच्छी राखी वो भाइयों को बांधे, तो कुछ कस्टमाइज राखी भी, क्योंकि स्वदेशी की जिस तरह से बात की जाती है तो वो भी आपके पास अवेलेबल, आपने हर टाइप की राखी? जी हाँ, जैसे कि हमारे इंडिया की चंदन की राखियाँ आती हैं, जो खुशबू वाली राखियाँ होती हैं, वो सब हैंडमेड राखियाँ धागों में होती हैं, पतले पतले धागे जो ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं लोग, सब हमारे पास है। जी, तो दोनों चीज़ें आपने रखी हुई हैं, तो बहनों के लिए क्या कुछ कहेंगे और भाइयों के लिए क्या कुछ कहेंगे? बहनों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि वो बल्कि ये विजय जो धागा होता है अपने भाइयों को भेजते हैं कि वो हमारी रक्षा करें, तो भाइयों का भी फर्ज बनता है कि बहनों की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि कितनी खूबसूरत राखियाँ जो है वो यहाँ पर लाएगी। एक बार फिर से मैं नज़र आपकी इन राखियों पे जो है वो दोहराना चाहूँगी कि कितनी खूबसूरत राखियाँ जो है वो मार्केट में आ चुकी हैं, और जिस तरह से यहाँ के शॉपकीपर ने भी कहा कि बहनें जो है वो अपने भाइयों के लिए अभी से राखियाँ जो है ख़रीदारी कर रही है, क्योंकि कुछ बहनों के भाई जो है वो सरहदों पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो कुछ दिन लग जाते हैं उन तक राखी पहुंचने में, तो समय पर उन तक राखी पहुंचे उसको लेकर जो है ख़रीदारी जो है वो अभी से शुरू की गई है। तो अभी आपको बता दें कि लगभग 20 दिन बाकी हैं, शेष हैं इस त्यौहार को लेकर, जिसको लेकर जो है काफ़ी उत्साह बहनों में रहता है, काफ़ी रौनक जो है मार्केट में रहती है, और ये रौनक जो है अभी से शुरू अब हो चुकी है, और मार्केट में आपको तरह तरह की राखियां जो है वो मिलेंगी, नज़र आएंगी। तो फिलहाल हमने आपको इस समय पकड़ंगा से दिखाया कि किस तरह से खूबसूरत राखियां जो है वो यहाँ पर लाई गई हैं, बढ़ चढ़ कर बहनें जो है वो तैयारियां कर रही हैं रक्षाबंधन की। ऐसे में आपकी किस तरह की तैयारियाँ, क्या आप राखी खरीद चुके हैं या ख़रीदने वाले, क्योंकि लड़कियाँ जो है वो काफ़ी चूज़ी होती हैं अपने भाई को राखी बांधने में, ताकि उसकी कलाई जो है वो काफ़ी खूबसूरत लगे। तो ऐसे में आपकी ख़रीदारी हो चुकी है या करने वाली हूँ, कमेंट करके ज़रूर अपने व्यूज शेयर कीजिएगा। अगली बार लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक आप देखते हैं यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट हमें झरमा के साथ, मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।